भारत एक ऐसा देश, एक ऐसी परंपरा, संस्कृतियों और संस्कारों की संगम स्थली, भांति भांति की विविधता, फिर भी एक विराट पुरुष की भांति खुद में सबको संजोते हुए अखंड भारत की पहचान रखता है। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में हम जब झांक कर देखते हैं तो सब कुछ वैसा नहीं था जिसकी हमने कामना की थी। साल 1947 में हम गुलामी की जंजीरों से आजाद तो हुए, लेकिन वैसे नहीं जैसा हम चाहते थे। हमें आजादी मिली जैसा अंग्रेजी हुकूमत चाहती थी। आजादी के नाम पर हमें जो समझाया गया वो अंग्रेजी हुकूमत की परिभाषा में ट्रांसफर ऑफ पावर थी। गुलामी की जंजीरों में जकड़ा भारत आजाद तो हुआ, लेकिन उस समय देश एक ऐसे दोराहे पर खड़ा था जहां देश की 565 रियासतों ने अलग अस्तित्व की हूंक भरनी शुरू कर दी। करीब 2 शताब्दी तक गुलाम बने रहने के बाद अखंड भारत का सपना चकनाचूर होने को था। इस दौरान एक साधारण से किसान परिवार में जन्मा वो जुझारू महान किरदार सामने आया जिसने आगे चलकर अपने भागीरथी प्रयत्नों से एक नए भारत, एक संगठित भारत को दुनिया के मानचित्र पर जगह दिलाई। ये कमाल कर दिखाने वाले कोई और नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो आगे चलकर अपने मजबूत इरादों के चलते लौह पुरुष कहलाए। ये वही थे जिन्होंने देश के अलग अलग 565 रियासतों को एक डोरी में बांध रिपब्लिक ऑफ इंडिया की परिभाषा गढ़ी। 31 अक्टूबर 1875 को जन्मे वल्लभ भाई पटेल एक साधारण किसान परिवार से आने वाले धरती के एक ऐसे लाल थे जिन्होंने किसानों के हक के लिए अंग्रेजी हुकूमत से टक्कर ली। उन्होंने खेड़ा और बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का न सिर्फ नेतृत्व किया बल्कि अंग्रेज सरकार को किसानों की मांगे मानने के लिए विवश कर दिया। फलस्वरूप किसानों को लगान में भारी छूट दी गई। इस आंदोलन की सफलता के बाद देश के इस लाल को सरदार की उपाधि मिली। जब देश आजाद हुआ तो भारत में नई सरकार बनने की तैयारी शुरू हुई। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के नाम पर सभी की निगाहें टिकी थी। उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष भारत का पहला प्रधानमंत्री होगा। सरदार पटेल की लोकप्रियता के चलते कांग्रेस कमेटी ने नेहरू का नाम प्रस्तावित ही नहीं किया और पटेल पूर्ण बहुमत से पार्टी के अध्यक्ष बन गए। लेकिन इस बात से पार्टी में गुटबंदी ना हो जाए, इस डर से गांधी जी ने सरदार पटेल को पीछे हटने को कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मालूम था कि वह देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने गांधी जी की बात का मान रखा और अपना नामांकन वापस ले लिया। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल के अतुलनीय योगदान को ये देश चिर अनंत याद रखेगा। महात्मा गांधी की प्रेरणा से ओतप्रोत सरदार पटेल की विचारधारा ने इस देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी के स्वराज आंदोलन से उन्होंने देश में सुराज का सपना पिरोया। अपनी दूरदर्शी सोच और कठिनाइयों से टकरा जाने के जज्बे की वजह से उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा गया। देश की 565 रियासतों में बटे इस भूखंड को एक सूत्र में पिरो देने वाले इस विराट पुरुषार्थ और अखंड भारत का सपना साकार कर दिखाने वाले इस महामानव के अतुलनीय योगदान को ये देश कोटि कोटि नमन करता है। दुनिया के मानचित्र पर भारत देश के विशाल भूखंड को तराशने वाला ये संतराश देशवासियों के लिए लौह सी दृढ़ता और मजबूत इरादों की विराट ऊंचाइयों जैसी प्रेरणा देता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।